आज पेपर हमारे यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गई। आरोप लगा रहे कि सच में लीक हुआ, लीक हुआ है। नाम आता है तो ये यूथ रोजगार का मुद्दा क्यों उसके बिहार में तो बाहर है, यूपी में आप देखिए बिहार वाले बाहर है। बाहर था, सुनिए बाहर था। चारों में 300-400 पद आया, लगा बहुत ज्यादा आया है, मतलब नॉर्मल है 400। पहले ये 400-500 नॉर्मल होता था। कौन सी बात, 5 साल बाद भर्ती आ रही है, आप बताइए। 5 साल बाद आया, 100 भर्ती दीजिए। देखिए सरकार में अभी पुलिस का पर्चा कल आउट हुआ, सेकंड टाइम का लोग बता रहे हैं। आरओ एआरओ में अभी दिक्कत आप देखिए किस तरह व्यापक धांधली हुई है। सरकार जो अभी वर्तमान में चाहे जहाँ बा, हम तो बनी बिहार से, बिहार में अभी बिहार सरकार मतलब नीतीश कुमार पलट गए हैं तुरंत, और वो देखनी हो तो नीतीश ई भाजपा फोड़ लो कुंकरों के, वहाँ रोजगार मिलते लो। अब वहाँ जो यहाँ के लोग जाके वहाँ रोजगार शिक्षक में भर्ती होते लो, SSC के भर्ती आई रहो, पहले पुलिस के भर्ती होते लो, और अभी एक बाद देखते नीति का भाई। अब यहाँ आज पेपर भेल यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गई, आरोप लगा रहे कि सच में लीक हुआ है। हड़ताल चल रहा है, अभी हम लोग गए थे उत्तर प्रदेश, लीक हुआ है, मानिए इसको। हम लगा रहे हैं अभी सरकार भी पुलिस वाला लीक हुआ है, सही बता रहे हैं। ये देखिए पुलिस वाला भी दिखा रहे हैं, भैया मुझको जेल नहीं जाना, ये सब मत दिखाइए। एक ये बच्चे जो दिखा रहे हैं, आपको भी डर लग रहा है लोकतंत्र में, अगर आप सुनिए एआरओ का पेपर लीक होता है। जो बच्चे ये दिखाते हैं कि पेपर लीक हुआ है, उन बच्चों के साथ जिन पत्रकारों ने ये दिखाया कि पेपर लीक हुआ है, एफआईआर हो गया है। तो पुलिस भर्ती का जो पेपर लीक हुआ है, ये मैं नहीं कह रही, ये लोग कह रहे हैं मुझे जेल नहीं जाना। उन पर एफआईआर भी कराया गया है, जिन्होंने बताया है कि पेपर लीक हुआ है, आयोग में धरना भी दिया गया। अब बताइए वहाँ भर्ती हो गया, एलपी की भर्ती आई तो उसके बाद टेक्नीशियन की भी तो आई ना भैया। कहा ये बताइए, 6 साल में अगर 5,000 भर्ती आएगी तो कितना युवा रोजगार नौकरी आई है? आपका आंकड़ा क्या बताता है 10 साल में कितनी नौकरी आई है? क्या इनका बताया? आज राहुल गांधी जी की भीड़ में कम से कम 80% लड़का सिर्फ यहाँ इलाहाबाद का युवा है सिर्फ, जो यहाँ तैयारी से हम लोग पढ़े। हम लोग मतलब अनपढ़ थोड़े हैं दीदी, हम लोग देख रहे हैं पूरे देश को कि क्या क्या हो रहा है। हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं, यहाँ से 4 प्रधानमंत्री हुए हैं, तो हम लोग ऐसे थोड़े मतलब हवा में थोड़ी बात करेंगे। क्या खूबी दिखती है इनमें प्रधानमंत्री वाली, बताइए किन में, इनमें क्या कर रहे हैं, क्या नहीं दिखती है, बताइए। संघर्षशील व्यक्ति है और फाइटर की तरह फाइट करना जानते हैं और एजुकेटेड तो है। हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, हम युवा की बात। आप ये बताइए, युवा से भी ना पूछे हमने क्या। सारी बात छोड़ दीजिए, शिक्षा की बात करिए। राहुल गांधी अनपढ़ है, ये जो बोल रहे हैं हम वो सुन रहे हैं। मैडम आप छोड़ दीजिए, राहुल गांधी अनपढ़ है, उनकी डिग्री आप जानती कहाँ की है? हम बोल रहे हैं अनपढ़ है, हमने कहा आपने क्वालिटी पूछी ना, तो हम आपसे पूछ रहे हैं, आप क्या रहे हैं? सुनिए भैया, पहले मेरी बात सुनिए भैया, आपको विरोध दर्ज कराने की आदत है। मैं ये पूछ रही हूँ, वो प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, रुकिए तो मैं पूछ रही हूँ। सुनिए, ये बोल रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, तो मैं कह रही हूँ कि जनता को बताइए, एक प्रचार हो उनका कि क्या खूबी है इसमें, क्या गलत है? सबसे बड़ी खूबी उनकी है कि वो ईमानदार है, जो भी काम कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं, खूबी है, संघर्ष कर रहे हैं। अभी आप सोचिए कि उनके लोकसभा क्षेत्र में वायनाड जो केरला में पड़ता है, यहाँ यात्रा में है, और वहाँ जानवर अटैक किया है कोई उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वहाँ चले गए। सुनिए, चुनाव पास है, मणिपुर में क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री जी? मोदी जी इलाहाबाद का पूरा शेड्यूल खराब करके फिर केरल जाना, केरल से यहाँ आके फिर यात्रा में शामिल होना, ये बहुत बड़ी बात है। एक दिन में इतना बदलाव कर देना, मतलब एक दिन में इतना बदलाव आदमी जीवन में भी नहीं कर पाता है, जितना अभी पूरा शेड्यूल इलाहाबाद की यात्रा देखे पास में बढ़िया लगे थे। हम तो दूसरी बार मिले थे जब बचपन में, 2012 में जब वहाँ हमारे छपरा में कार्यक्रम हुआ था माझी विधानसभा में, तो वहाँ आए थे, उस समय सरकार में लोग थे, तो उस समय हम लोग पहली बार मिले थे उनसे, ये दूसरी बार मुलाकात हुई हमसे उनसे। कुछ बातचीत हो, बातचीत तो नहीं हो पाई, भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो बातचीत कहाँ से हो पाएगी? बता दी होते अपना दल, हम युवा है, एलपी वाले हैं, हम लोग हमारा आवाज अन्य युवाओं के माध्यम से वहाँ पहुँच रहा है। अगर हम नहीं पहुँच पाते, इससे मलाल थोड़ा है, हमें यात्रा में तो नहीं मिल पाए, हम लोग बात नहीं कर पाए, यात्रा में तो शामिल हो ही पाए हैं। तो आप कोई खिलाड़ी वगैरह हैं क्या? नहीं, हम खिलाड़ी नहीं, हम LLM कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। यहाँ दीदी, यहाँ जितने भी युवा आपको दिखाई दे रहे हैं, सब पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। मैं खुद हिंदी
यहाँ से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी से साहित्य से एमए किया हूँ। तो ये रोजगार कैसे देंगे, कैसे आपको लग रहा है, मतलब क्या ऐसा राहुल गांधी करेंगे कि देश में रोजगार? राहुल गांधी का जो कम से कम झूठ नहीं बोलेंगे, ये 2 करोड़ हर साल वाला झूठ तो नहीं बोला इन्होंने एक बार भी कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। पता तो लोग नहीं गए, हम लोग कैसे जाएंगे, हम लोग अपने रोजगार की तैयारी में लगे हुए हैं। खुद एग्जाम चल रहा है, अभी आरओ का एग्जाम था, हम लोग एग्जाम दे के निकले, पता चला पेपर लीक, उसी समय वीडियो वायरल, सभी लोग स्टेटस लगा रहे हैं। व्यक्ति 2 साल तैयारी करता है, आप सोचिए कि कोई व्यक्ति 2 साल मतलब पूरा तैयारी जी जान लगा के तैयारी करता है, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? एक बात बताइए, जैसे आप बता रहे हैं कि फलाह सरकार में पेपर लीक हो रहा है, तो राहुल गांधी ऐसा कौन सा ग्लू लाएंगे कि पेपर लीक होने, देखिए दीदी पेपर लीक नहीं होगा कैसे? 2014 में जब गवर्नमेंट आई थी तब भी हम लोग आशा लगाए थे कि शायद ये अच्छा करेंगे। आशावादी होने की जरूरत है, सबसे बड़ी आप पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी में आपको क्या दिखता है, तो यही दिखता है कि अभी जो कर रहे हैं कोई व्यक्ति हमारे पे ईमानदारी नहीं। उनकी फ्लीट जा रही है, क्या पता इसमें कहीं आपके दर्शन हो जाए आपके? नहीं, वो नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। हम युवा है, आप सोचिए कि आशावादी होने की जरूरत है। पहले मान लीजिए कि मोदी जी आए थे, मोदी जी तो हम ये थोड़ी सोचे थे कि मोदी जी ये झूठ बोलेंगे, युवाओं को रोजगार नहीं देंगे, इसी आसार पर आए थे तो हम लोग भी 14 आज उनको मान लीजिए 6-4-10 साल 14-12 साल हो गया उनको आए हुए, तो उनका हम लोग काम देख चुके हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी एक युवा चेहरा है, वो आए और हम लोगों के लिए कुछ करें। बस आप लोग ये आप यही जानना चाहती हैं कि मतलब राहुल गांधी, तो हमें आशावादी होने की जरूरत है, उनके मेहनत से लगता है कि वो कुछ करेंगे। युवा है, युवा का दर्द ही समझेंगे, वही समझ सकते हैं। युवा जोश उनके पीछे मतलब लगातार काम कर रहा है। एआरओ वाले हैं ना, अभी प्रोटेस्ट तो प्रयागराज में ये प्रोटेस्ट हो रहा है, दिल्ली में टीचर वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एलपी के लिए प्रोसेस हो रहा है, एलपी वाला हम लोग गए थे देख के आए हैं। अब यहाँ पर अच्छा दीदी, वहाँ गई हैं आप? राजेंद्र नगर गई हैं कभी? भिकना पहाड़ी गई हैं? देखती हैं कितना छात्र वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ कितना छात्र पढ़ते हैं। आप बताइए कि वहाँ अच्छा कोई भी व्यक्ति, कोई किसान का लड़का यहाँ पढ़ने आता है तो कितना दिन रह सकता है? हाईएस्ट 3-4 साल रहेगा, उसके पिताजी कितना पैसा देंगे? अभी जो किसान आंदोलन, जब ये चुनाव आता है तो ये यूथ रोजगार का मुद्दा क्यों उसके तभी पहले वाले रोजगार के मौके तभी तो दिए जाते हैं। वैकेंसी जब चुनाव मटनवा दबाने जाते हैं तो काहे बुला जाते हैं? नहीं मैम, मुरनाल पटेल पिछली बार रोजगार का मुद्दा था, समस्या बटन में ही तो है, चोरी होती है, ये सबको पता है। मुरनाल पटेल इकोनॉमिक्स के, सुनिए मुरनाल पटेल इकोनॉमिक्स अनअकैडमी पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे शिक्षक हैं वो है। उनका पीएचडी थीसिस जो उनका लिखा गया है इसी पे कंप्लीट हुआ है कि जब चुनाव आती है उस समय भर्तियां बहुत ज्यादा आती हैं, उनका थीसिस इसी पे है, तो वो गलत थोड़े बताएंगे। उनका थीसिस पर हम लोग बोल रहे हैं कि जब चुनाव आते, अच्छा जब हमारा बात सुना जाएगा, जब हमको मौका दिया जाएगा तभी ना हम जाएंगे, हमको मौके नहीं दिया जाएगा। लोकतंत्र चारों तरफ ढिंढोरा पीट दिया जाता है कि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं। अगर आप बताइए, आप डर रही हैं, आप चौथे तो आप डर रही हैं कि आप FIR हो जाएगा, आप डर रही हैं? डर नहीं रही हूँ, मैं ये बोली हूँ कि वो भैया कह रहे हैं कि यूपी पुलिस वाला लीक हुआ है, आरओ वाला जो लीक हुआ था वो लोग वीडियो बना के दिखाए थे, उन लोगों पे गाजीपुर के थे लड़के, 6-6 महीने रात दिन यहाँ जो है पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में आप जाइए आधी रात 3-4 बजे खाना खाए रहते हैं, नहीं खाए रहते, वो पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं। हम स्वयं लाइब्रेरी से आए हैं, हम आयोग की परीक्षाएं दे रहे हैं मैम, हम टेट सीटेट बीएड बीटीसी नेट भी हैं। आए थे प्रोटेस्ट ये देखने आए थे क्या? देखने राहुल गांधी बस गांधी जी को देखने आए थे क्योंकि इनसे बड़ी उम्मीद है। अच्छा। क्योंकि आजकल जब से ये भारत जोड़ो यात्राएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, परिचर्चाएं कर रहे हैं, क्या लगता है कि मतलब ऐसा राहुल गांधी आएंगे तो सिस्टम में ऐसा क्या बदलाव कर देंगे कि पेपर लीक नहीं होगा, वैकेंसियां निकलने लगेंगी? इसका जवाब नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई सरकारें ले भी नहीं सकती हैं, लेकिन उम्मीद जो होती है, जो उम्मीद है वो इनसे इसलिए लगती है कि युवा हैं, ये समझते हैं, आशावादी व्यक्ति आशावादी होता है, हम आशावादी हैं तभी तैयारी कर रहे हैं। नौकरियां हैं कहाँ यूपी में? बिहार में तो बाहर है, यूपी में आप देखिए बिहार वाले बाहर है, बाहर था, सुनिए बाहर था, बाहर था, फिर वहाँ बीजेपी अपना तिगरमबाजी करके वहाँ पलट दी, वहाँ भी युवा तेजस्वी कह रहे हैं बिहार में भी बाहर नहीं है। नहीं, यूपी वालों को लगता है बिहार में बड़ा विकास है, सुनिए ना, यूपी वालों को लगता है बिहार में बड़ा विकास है, बिहार वालों को लगता है उत्तर प्रदेश में बड़ा बिहार में विकास नहीं आई विकास। हम इस बात को अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, मतलब अस्वीकार नहीं कर रहे कि बिहार में भर्तियां नहीं आई हैं, 17 महीने में जो काम हुआ है, लेकिन तेजस्वी के साथ नीतीश का गठबंधन था वहाँ तो अच्छा हो रहा था, अभी बीजेपी आ गई तो फिर वही अपनी पॉलिसी लाएगी। आइए तो
चुनाव का समय है, इसमें तो भर्ती आएंगे ही आपको। मैं एक ये जो भर्तियां आई भी हैं 50-60 हज़ार पुलिस की और तमाम छोटी छोटी, वो 5-5 साल बाद आई हैं। आप समझ लीजिए इससे पहले भी सरकारें बिगत रही हैं, चाहे सपा की रही हो चाहे बसपा की रही हो। हर 2 महीने में पेपर होते थे, चाहे BDO के, लेखपाल के, तमाम अधीनस्थ की परीक्षाएं, आयोग में, PCS में 700-800 पद आते थे। ठीक है, मैं समझ गई। 5 साल में वैकेंसी आई ना, वैकेंसी अब माना जा रहा है, जैसे अब इस बार बढ़ के आरओ में 300-400 पद आया, लगा बहुत ज्यादा आया है, मतलब नॉर्मल है 400। पहले ये 400-500 नॉर्मल होता था, अब पहले 150-200-220 पोस्ट पे पिछली बार 2023 PCS में रिजल्ट आए हैं। अभी आप समझ लीजिए इस बार भी 220 पोस्ट निकली, 100 बढ़ी है, अभी 330 टोटल हुई है। ठीक है, मैं समझ गई। 5 साल में अभी वैकेंसी आ रही है ना, तो लॉलीपॉप दिया जा रहा है, खुश है कि नहीं? काहे खुश रहेंगे बताइए। अभी पुलिस वाला है, कौन सी 5 साल बाद भर्ती आ रही है आप बताइए? 5 साल बाद आया, 100 भर्ती दीजिए, देखिए बता रहे हैं कि 1000 भर्ती। तो ये भर्ती का ये दिया जा रहा है ना, आप लोगों को दिखाया जा रहा है। मतलब 1 मिनट के 5 साल आप सुस्त रहिए, आज जब वोट आ, जो चुनाव आए, तो आप भर्ती दीजिए, तो उस समय हम लोग का न्याय हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग का एज, भैया से पूछिए। आप उन बच्चों से जाके मिलिए, लाइब्रेरियों में एक बार दौरा जरूर करिएगा, इलाहाबाद आई है, दिल्ली भी जाएंगे, हर जगह उनसे मिलिए। 4-4 बजे, 5-5 बजे, किसी नींद नहीं आती, एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, आपको बता दूं, कभी कभी लगता है दिमाग उमाग फट जाएगा, आप समझिए। उसके बाद आप जाइए, पर्चा लीक हो जा रहा है। आप बोले ना कभी जाइए। आप स्टूडेंट भी न्यूज देखते हैं, पिछले 4 साल से इतने बायस्ड है मीडिया वाले, हमको कहना नहीं चाहिए, हम आपको नहीं कह रहे हैं व्यक्तिगत। ईमानदार लोगों को अभी लोग नहीं ना देखते हैं, आप लोगों को भी तो नहीं। नहीं नहीं, मैं आपको व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मीडिया आप जाइए, बहुत ज्यादा। आप सुनिए, आप उस मुख्यधारा के पत्रकार नहीं है, तो वही बता रही हूँ कि मैं गई हूँ, मैंने देखा है स्टूडेंट का। मैं पटना में भी गई हूँ, मैं प्रयागराज में भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके हॉस्टल में भी जाके वो स्थितियाँ भी मैंने देखी। मैम आपको मैं बता रहा हूँ कि इस सरकार में अभी पुलिस का पर्चा कल आउट हुआ, सेकंड टाइम का लोग बता रहे हैं, RO AR O में अभी दिक्कत, आप देखिए किस तरह व्यापक धांधली हुई है। कभी आयोग के पेपर में ऐसी कोई सरकार, चाहे सपा रही हो चाहे बसपा रही हो, यूपी में, मैं व्यक्तिगत बता रहा हूँ, कभी आयोग का पर्चा मेरे ख्याल से 2016 RO में एक बार गलती से हुआ था कि नहीं, जो भी हुआ था हम लोग तब एलिजिबल नहीं थे, लेकिन पिछले 10 सालों में ये पहली बार है कि आयोग का पर्चा हर बच्चे के पास लगभग, बता रहे हैं लड़के, कभी ऐसा नहीं होता था। अब पहले मैडम ऐसा होता था, जैसे जो भर्तियां आती थी, अब नकल वाले होते थे कि नहीं, लेकिन पढ़ने वाले इलाहाबाद से होते थे, और आजकल की 8,000 लेखपाल की भर्ती हुई, 3,000 BDO की, आप पता कर लीजिए इलाहाबाद में कितने बच्चे हुए हैं, यहाँ नहीं बच्चे हुए हैं, गांव में जो लोग खेती वेती कर रहे हैं, सेटिंग से दाएं बाएं से लोग बता रहे हैं कि इतने बच्चे 15 लाख दे के हो गए, 10 लाख। आप उनसे मिलिए जो तैयारी करके पॉइंट में एक एक नंबर से बच्चे उनको छाड़, आप बताइए अगर 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है, यूपी लेखपाल का नॉर्मल एग्जाम था, उसमें 82-83, वो भी -1/4 माइनस मार्किंग में, इस एग्जाम में आप बताइए कि रिजल्ट आता है, मतलब 83% पे कट ऑफ है। आपकी तैयारी कम हो, कोई आपसे ज्यादा पढ़ा हो, ऐसा नहीं हो सकता। जब आयोग स्वयं इसका स्पष्टीकरण दिया 15,000 साल भर बैठे हैं, तो कैसे हम माने कि हमारी तैयारी कम है, जब आयोग स्वयं स्पष्टीकरण दिया 15,000 साल भर बैठे हैं, इसीलिए हम 27,000 रिजल्ट जारी किए हैं। आयोग ने स्वयं मैडम ये कहा, आयोग